त्योहारी मांग और तंग सप्लाई से सोयाबीन में एक बार फिर से एक्शन देखने को मिल रहा है। नई फसल आने में अभी करीब एक महीने का वक्त है और उससे पहले हाजिर बाजार में भाव तेजी से बढ़े हैं। NCDEX पर सितंबर वायदा का भाव भी हाजिर मार्केट के आसपास ही है, लेकिन अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट हाजिर से करीब 2400 रुपये नीचे कारोबार कर रहा है। इस बीच सोपा ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में एक सर्वे किया, जिसमें चालू सीजन में सोयाबीन की फसल कमजोर रहने की बात सामने आई। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में सोपा का सर्वे हुआ। चालू सीजन में सोयाबीन का रकबा 6.54% घटा है। कुछ इलाकों में उपज कमजोर रहने का अनुमान है। बुआई में देरी से कई इलाकों में फसल वृद्धि प्रभावित हुई है। कई इलाकों में बुआई के बाद भारी बारिश से कुछ इलाकों में फसल पूरी तरह क्षतिग्रस्त भी हुई है। वहीं बात करें अगर सोया मील की, तो सोया मील का आयात फिर से बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अब सोया मील आयात के लिए समय सीमा में राहत दे दी है। आयात के सौदे और बिल काटने की अवधि तो 31 अक्टूबर तक ही रखी गई है, लेकिन भारत के बंदरगाहों पर अब आयातित सोया मील की लैंडिंग 31 दिसंबर तक हो सकेगी। इस बीच दिल्ली के सूत्रों से खबर आ रही है कि खेरची में दाम काबू में नहीं आए तो सरकारी स्तर पर एक बार फिर आयात शुल्क में कटौती संभव है। सरकार के दबाव से वायदा में सोयाबीन और सोया तेल दोनों में गिरावट आ रही है। सोयाबीन वायदा में करीब 200 रुपये की गिरावट आई है, जबकि सोया तेल वायदा 10 रुपये तक घट गया है। हालांकि सरसों के दाम अभी नीचे नहीं जा रहे हैं। वहीं अब सरकार से उम्मीद की जा रही है कि सरसों तेल के आयात की अनुमति भी जारी कर दी जाए। आपको बता दें कि त्योहारी मांग से सोयाबीन की कीमतों को एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। नई फसल आने में अभी एक महीने का वक्त लगेगा। तंग सप्लाई से सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। मजबूत डिमांड से हाजिर बाजार में सोयाबीन के भाव बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की मंडियों में भी नए सोयाबीन की आवक धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अभी मानसून ने फिर से तेजी पकड़ी है। जैसे ही बारिश कम होगी और मौसम खुलेगा, सोयाबीन की आवकों में इजाफा देखने को मिलेगा। सोयाबीन में पहले वाली तेजी कहीं थमती नजर आ सकती है। हालांकि कीमतें अभी भी MSP के ऊपर ही कारोबार करती हुई नजर आएंगी। वहीं चाइना ने भी ब्राजील से सोयाबीन का आयात किया है, जिससे सोयाबीन की कीमतों को सपोर्ट मिलता रहेगा। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।